हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर की दुनिया। आज मैं आपके सामने जो थ्योरी है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्कस किया था। आज हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए अपनी इस वीडियो का श्री गणेश करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक समझाया था कि जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे उनमें ये खासियत थी कि वो किसी भी तरह के एक्सपीरियंस को डीवर कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब क्या हुआ था कि जब ये डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की थ्योरी आई तो हमारे जो पोइट्स थे ना वो गुस्सा हो गए। उन्होंने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट रेशियोसिनेटिव एंड द डिस्क्रिप्टिव। और उन्होंने क्या किया, दे फेल्ट एंड थॉट बाय फिट्स। अब जब टीएस एलियट साहब ने बोला कि भाई या तो तुम फील कर सकते हो या तुम सोच सकते हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम तो दोनों करेंगे। और वो बाय फिट्स यानी कि उन्हें बहुत ही दिक्कतें आने लगी दोनों काम इकट्ठे करने में, वो बहुत अनबैलेंस तरीके से ये काम करने लगे। अब क्या हुआ आगे कि ये जो कहा जाता है ऐसा कि जो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है ये वो एक पॉइंट था, इट इज अप द पॉइंट एट विच कि जिस पर एंड द मैनर और जिस और वो तरीका या फिर वो मैनर वो वे जिसके द्वारा बाय विच दिस चेंज इन पोएटिक मेथड एंड स्टाइल अकर, कि यही वो पॉइंट था जिस पर और जिसके द्वारा ये जो हमारे पोइट्री में जो चेंज आया था और इसके मेथड में इसके स्टाइल में जो चेंज आया था। चेंज कौन सा हो गया आपका, कि या तो इंटेलेक्चुअल पोइट्री होगी या इमोशनल होगी, लेकिन दोनों ही एक टाइम पे नहीं होगी। तो इसका कारण इसी को माना जाता है। अब क्या हुआ कि इन द 17th सेंचुरी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी आ गई और उसके बाद में टीएस एलियट साहब का ऐसा मानना है कि हम लोग आज तक भी इस बात से, इस थ्योरी से, इस प्रॉब्लम से रिकवर नहीं कर पाए हैं। यानी कि हमारी पोइट्रीज में या तो थॉट रह गया है या सिर्फ फीलिंग रह गई है, लेकिन दोनों का एमलगमेशन, यूनिफिकेशन नहीं होता है। और इसी चीज को, इस डिसोसिएशन को एग्रवेट किया बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द टू मोस्ट पावरफुल पोएट्स ऑफ द सेंचुरी, मिल्टन एंड ड्राइडन। ये टी एस एलियट साहब का मानना था कि मिल्टन और ड्राइडन के कारण कुछ हद तक इसको और एग्रेवेशन मिला है। अब क्या करते हैं मिल्टन टी एस एलियट साहब की वो जॉन डॉन की पोइट्री को कोट करते हैं एज द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। वो कहते हैं कि डॉन के लिए एक थॉट एक एक्सपीरियंस की तरह था, उसके लिए वो एक मॉडिफाइड, इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी, की उनकी जो सोचने समझने की शक्ति है उसने कहीं ना कहीं उसको मॉडिफाई की। यानी कि एक विचार उनके लिए सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल थॉट ना होकर वो एक होल था, वो उस पर सोचते थे, विचारते थे, अपने दिल से फील करके देखते थे उसको। तो इसीलिए कहते थे कि इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी। अब क्या है कि जो एलियट साहब का जो इतना अपारेंट अप्रिसिएशन है ऑफ डॉन्स एबिलिटी टू यूनिफाई इंटेलेक्चुअल थॉट एंड सेंसेशन ऑफ फीलिंग, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि जो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है वो इसको पोइट्री की तरक्की में, उसके प्रोग्रेशन में एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस मानते हैं, एक बहुत बड़ा रुकावट मानते हैं। तो आगे क्या होता है कि एलियट एजर्ट करते हैं कि डिस्पाइट द प्रोग्रेस ऑफ रिफाइंड लैंग्वेज, कि भले ही हमारे जो आगे की जो लैंग्वेज थी 17th सेंचुरी के बाद में वो रिफाइन हो गई, लेकिन द सेपरेशन बिटवीन थॉट एंड इमोशन लेड टू द एंड ऑफ एन एरा ऑफ पोइट्री, कि भले ही हमारी लैंग्वेज रिफाइन हो गई लेकिन क्या हुआ कि जो थॉट एंड इमोशन जो कि पहले की पोइट्री में एक हुआ करते थे, जब उनका सेपरेशन हो गया तो थॉट रह गया या इमोशन रह गया, या तो पोइट्री इंटेलेक्चुअल रह गई या फिर वो इमोशनल रह गई, इससे पोइट्री के उस एरा का ही अंत हो गया जो कि ज़्यादा बेटर थी, ज़्यादा मच्योर थी, एंड दैट वुड वियर बेटर देन द पोइट्री दैट फॉलोवर्ड, कि आने वाली पोइट्री से जो कहीं गुना ज़्यादा अच्छी थी उसका, उस पोइट्री के उस एरा का कहीं ना कहीं डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी के बाद में अंत ही हो गया बेसिकली। जब से विचार अलग और फीलिंग अलग हो गई तो वो जो एक पोइट्री में जो बात थी वो उनको लगता है कहीं ना कहीं अब कहीं खो सी गई है, कि अब उन्हें पोइट्री में विचारों का और भावनाओं का मिश्रण नहीं मिलता है, या तो केवल उन्हें गहन विचार मिलते हैं या फिर दिल से फील की गई फीलिंग्स मिलती हैं, दोनों नहीं मिलते हैं। अब उनका एक थोड़ा सा उन्हें इनकी नाराजगी है लॉर्ड टेनिसन से और रॉबर्ट ब्राउनिंग से। वो इनके बारे में कहते हैं कि वो लोग पोएट्स तो हैं
और वो सिर्फ सोचते हैं, वो अपने थॉट्स को फील नहीं करते हैं एज इमिजिएटली एज द ऑर्डर ऑफ अ रोज, कि जैसे एक गुलाब की खुशबू होती है उसको उस टेंजिबल फीलिंग की तरह, उस ऑर्डर की तरह वो अपने थॉट्स को फील नहीं करते हैं जैसे कि जॉन डोन साहब किया करते थे। वो कहते हैं कि एक पोएट को ऐसा होना चाहिए कि जैसे जो ये, आप इसको एज एन एग्जांपल भी यूज कर सकते हैं कि जैसे दो बिल्कुल ही अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो गए, जैसे कि द नॉइस ऑफ द टाइपराइटर और द स्मेल ऑफ कुकिंग। अब आप देखिए कि एक टाइपराइटर की आवाज और एक खाना पकने की खुशबू कितनी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर एक पोएट अच्छा है तो उसमें ये काबिलियत होगी कि वो इन दो बिल्कुल ही डिस्परेट एक्सपीरियंसेस को एक कर सकता है अपनी पोएट्री के माध्यम से। तो आगे क्या होता है कि एलियट रिगार्ड नहीं करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग को टू बी अ ग्रेट पोएट। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि उनके पास आइडियाज तो हैं, लेकिन वो अपने आइडियाज को अपने इमोशन और सेंसेशन में ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं। वो उसके बारे में नो डाउट ही इज अ वेरी ग्रेट पोएट, उनकी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी उनकी पोइट्रीज भी हैं जो आप लोगों ने पढ़ी होंगी, मैंने भी पढ़ी है, लेकिन टीएस एलियट साहब के अकॉर्डिंग वो एक ग्रेट पोएट नहीं है क्योंकि वो अपने विचारों को अपने इमोशंस में, अपने सेंसेशंस में फिल्टर नहीं करते हैं, उनको उसमें ट्रांसमिट नहीं करते हैं, वो उनको फील नहीं करते हैं गहराई से। तो उनका मानना था कि ड्राई थॉट्स और आइडियाज या लॉजिक एक महान पोएट बनने के लिए जो है पूरी तरह से सक्षम नहीं है। अब टीएस एलियट साहब की जो थ्योरी थी उसके सामने एक चैलेंज आ गया उनके पास में बाद में, जो उन्हें कहा गया था कि लेटर ऑन इन हिज करियर एलियट वॉज चैलेंज विद द थॉट दैट द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी विद इन लिटरेचर हैड बीन कॉज्ड बाय द इंग्लिश सिविल वॉर इन द मिड 17th सेंचुरी। तो ये कहा गया था कि आपकी जो, मतलब ये आप जिस फिलोसफी के बारे में बात करते हो, इस थ्योरी के बारे में आप बात करते हो, वो वास्तव में क्यों आई थी लिटरेचर में, वो वास्तव में उन्हें ऐसा कहा गया था, एक ऐसी बात सामने आई थी कि जो इंग्लिश सिविल वॉर हुआ 17th सेंचुरी में, ये कहीं ना कहीं उसके कारण इंग्लिश लिटरेचर में ये डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी आ गई। अब टीएस एलियट साहब का क्या विचार था इस बात पर, वो ये कहते थे कि मैं आपसे ना तो अग्री करता हूँ ना डिसअग्री करता हूँ टू दिस थ्योरी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि लिटरेचर में ये जो चेंज है, ये जो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, ये कहीं ना कहीं उन्हीं कारणों के कारण आई है जिन कारणों के कारण या उनकी वजह से सिविल वॉर हुई थी। तो वो ये मानते थे कि इसका रीजन भी वही है, जिन कारणों की वजह से सिविल वॉर आई उन्हीं की वजह से लिटरेचर में ये डिसोसिएशन आ गया। सो दिस वॉज माय कंप्लीट एनालिसिस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ उस बेल आइकन को भी ना दोस्तों ज़रा हिट कर देना ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा मिलते रहें। ऑल्सो शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड जिनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, जिनको इस टॉपिक को समझने की ज़रूरत है। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेना। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।